आज होली का दिन है और होली के दिन शाम को यहाँ पर ये दृश्य देख रहे हैं पलवल का किसान आंदोलन अटवा मोड़ पर जो है वहाँ पर ये तंबू सूने पड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकांश जो किसान हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए अपने अपने गांवों की ओर लौट गए, क्योंकि होली का जो पर्व होता है कुछ जो उसकी रीति रिवाज होते हैं वो गाँव में अपने घर पर मनाने होते हैं और इक्का दुक्का लोग यहाँ पर रह गए हैं जो ये ताश पार्टी जो अपना समय बिता रही है। अपना जो किसान है यहाँ पर करीब करीब 40-50 किसान रह गए हैं। पलवल का जो अटवा मोड़ का जो ये आंदोलन है किसान आंदोलन, उसमें ये होली के बाद की स्थिति है। शाम का समय है और इस समय तंबू भी सुने सुने, ये पंडाल भी सुना सुना है, कुछ लोग हैं और ये झोपड़ियाँ जो हैं ये भी सुनी सुनी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो बैठते हैं किसान वो अपने अपने गांवों में आज लौट गए हैं, कल सुबह लौटेंगे। ये जो गाड़ियाँ हैं ये पंजाब से शायद आई है, रुकी हैं और ये किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, क्योंकि जो किसानियत से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपना विश्राम भी करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि आवाज थोड़ी दब रही है। गुरजीत सिंह। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम पंजाब से गुरदासपुर जिले से आ रहे हैं और यूपी के खाता में जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ क्या ये काम कंबाइन लेकर जा रहे हैं आप? कनक की कटाई है। कनक की कटाई है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर पलवल किसान आंदोलन में रुके हैं आप? जी। कितनी देर रुकेंगे आप यहाँ पर? बैठेंगे, बुजुर्गों से बातें करेंगे, उनकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे, फिर जाएंगे। आप जानते हैं देश भर में किसान आंदोलन जो चला हुआ है, किसानियत से जुड़े हुए आप लोग भी हैं, क्या कहेंगे इस किसान आंदोलन को लेकर? हम तो यही कहेंगे भी आप तो मोदी जी को झुक जाना चाहिए, इतनी किसानों को परेशानी आ रही है। कम से कम 4 महीने हो गए किसान सारे बॉर्डर पे बैठे हैं, अपने घर पर सो गए इतनी गर्मी में। तो मोदी साहब तो एसी में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 आदमियों के लिए सारे देश को ही जा रहे हैं, मानी जाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हम देख भी चाहते हैं उन्होंने भी जल्दी से जल्दी अपना कोई निर्णय ले, तो किसान खुशी खुशी अपने घर। आज होली का दिन है, सुबह लोगों ने होली पर रंग त्यौहार मनाया है रंग गुलाल के साथ और शाम का समय है, किसान अपने तंबुओं में है, हालांकि यहाँ पर कुछ लोग चले गए हैं वापस, क्या कहेंगे इसके बारे में फिर? अगर तो मोदी जी होली के दिन किसानों को तोहफा समझ के दे देते फिर तो किसान खुश हो जाते। मैं तो समझता हूँ इस बार होली भी नाराज ही है, किसान अपने हिसाब से जो थोड़ा बड़ा त्यौहार मनाकर फिर आप धरने में वापस चले गए। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा है कि हमने होली यहाँ मनाई है तो दिवाली भी यही मनाएंगे, अगर ऐसी बात है तो। अगर वो मोदी जी नहीं झुकते तो किसान झुकने वाले हैं जाएंगे तो अपना हाथ लगा के जाएंगे। बिल्कुल, इधर ही बैठेंगे। हम आपको बता दें कि पलवल में किसान आंदोलन 3 दिसंबर से चला था तो उसमें सिख भाइयों ने काफ़ी हिस्सा लिया था, उन्होंने आंदोलन चलाया था। 27 तारीख को जाना पड़ गया था उनको वापस, क्योंकि प्रशासन ने उनको खदेड़ दिया था। तो इस बार 52 पाल का जो धरना है वो 52 पाल की तरफ से है, सिख भाई तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन सिख भाइयों को सहयोग है, पीछे से आते हैं जैसे आप आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में कि जो उनको जाना पड़ गया? जहाँ भी धरने में सिखों की जरूरत हो आधी बार पे सब शामिल हो बिल्कुल। यहाँ तो 3 दिसंबर से रोज वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह होती थी। अभी तो बोल कर आए हैं। अच्छा अच्छा, यही फतेह बुलाई है
को तो चाह रहे थे फतेह बुला के जाएंगे तो फतेह बुलाते रहेंगे, अपना हाथ लेके जाएंगे। चलो।